225वां अध्याय राज धर्म राजपुत्र रक्षक रक्षण आदि। पुष्कर कहते हैं राजा को अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए तथा उसे धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र कामशास्त्र और धनुर्वेद की शिक्षा देनी चाहिए, साथ ही अनेक प्रकार के शिल्पों की शिक्षा देनी भी आवश्यक है। शिक्षक विश्वसनीय और प्रिय वचन बोलने वाले होने चाहिए। राजकुमार की शरीर रक्षा के लिए कुछ रक्षकों को नियुक्त करना भी आवश्यक है। क्रोधी लोभी तथा अपमानित पुरुषों के संग से उसको दूर रखना चाहिए। गुणों का आराधन करना सहज नहीं होता, अतः उसके लिए राजकुमार को सुखों से बांधना चाहिए। जब पुत्र शिक्षित हो जाए तो उसे सभी अधिकारों में नियुक्त करे। मृगिया मदपान और जुआ ये राज्य का नाश करने वाले दोष है, राजा इसका परित्याग करे। दिन का सोना व्यर्थ घूमना और कटु भाषण करना छोड़ दे। पराई निंदा कठोर दंड और अर्थ दूषण का भी परित्याग करे। स्वर्ण आदि की खानों का विनाश और दुर्ग आदि की मरम्मत न करना ये अर्थ के दूषण कहे गए हैं। धन को थोड़ा थोड़ा करके अनेकों स्थानों पर रखना, अयोग्य देश और अयोग्य काल में अपात्र को दान देना तथा बुरे कामों में धन लगाना ये सब भी अर्थ का दूषण मतलब धन का दुरुपयोग है। काम क्रोध मद मान लोभ और दर्प का त्याग करे। तत्पश्चात मृत्यु को जीतकर नगर और देश के लोगों को वश में करे। उसके बाद बाह्य शत्रु को जीतने का प्रयत्न करे। बाह्य शत्रु भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जिनके साथ पुस्तैनी दुश्मनी हो। दूसरे प्रकार के शत्रु हैं अपने राज्य की सीमा पर रहने वाले सामंत तथा तीसरे हैं कृत्रिम अपने बनाए हुए शत्रु। इनमें पूर्व पूर्व शत्रु गुरु मतलब भारी अधिक भयानक है। महाभाग मित्र भी तीन प्रकार के बताए जाते हैं। बाप दादा के समय के मित्र, शत्रु के सामंत तथा कृत्रिम। धर्मज्ञ परशुराम जी राजा मंत्री जनपद दुर्ग दंड मतलब सेना कोष और मित्र ये राज्य के सात अंग कहलाते हैं। राज्य की जड़ है स्वामी मतलब राजा, अतः उसकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। राज्यांग के विद्रोही को मार डालना उचित है। राजा को समयानुसार कठोर भी होना चाहिए और कोमल भी। ऐसा करने से राजा के दोनों लोक सुधरते हैं। राजा अपने भृत्यों के साथ हंसी परिहास न करे, क्योंकि सबके साथ हंसकर बातें करने वाले राजा को उसके सेवक अपमानित कर बैठते हैं। लोगों को मिलाए रखने के लिए राजा को बनावटी व्यसन भी रखना चाहिए। वह मुस्का कर बोले और ऐसा बर्ताव करे जिसके साथ सब लोग प्रसन्न रहे। दीर्घ सूत्री मतलब कार्यारंभ में विलंब करने वाले राजा के कार्य की अवश्य हानि होती है, परंतु राग दर्प अभिमान द्रोह पाप कर्म तथा प्रिय भाषण में दीर्घ सूत्री मतलब विलंब लगाने वाले राजा की प्रशंसा होती है। राजा को अपनी मंत्रणा गुप्त रखनी चाहिए। उसके गुप्त रहने से राजा का कोई आपत्ति नहीं आती है, राजा पर कोई आपत्ति नहीं आती। राज्य संबंधी कोई कार्य पूरा हो जाने पर ही दूसरे को मालूम होना चाहिए। उसका प्रारंभ होने कोई भी जानने न पावे। मनुष्य के आकार इशारे चाल ढाल चेष्टा बातचीत तथा नेत्र और मुख के विकारों से उसके भीतर की बात पकड़ में आ जाती हैं। राजा न तो अकेले ही किसी गुप्त विषय पर विचार करे और न अधिक मनुष्यों को ही साथ रखे।
बहुतों से सलाह अवश्य ले, किंतु अलग अलग सबको एक साथ बुलाकर नहीं। मंत्री को चाहिए कि राजा के गुप्त विचारों को दूसरे मंत्रियों पर भी न प्रकट करे। मनुष्य का सदा कहीं किसी पर भी विश्वास जमता है, इसलिए एक ही विद्वान मंत्री के साथ बैठकर राजा को गुप्त मंत्र का निश्चय करना चाहिए। विनय का त्याग करने से राजा का नाश हो जाता है और विनय की रक्षा से उसे राज्य की प्राप्ति होती है। तीनों वेदों के विद्वानों से त्रय विद्या सनातन दंड नीति आविक्षीर की मतलब आत्मविद्या तथा अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे, साथ ही वार्ता मतलब कृषि गौरक्षा एवं वाणिज्य आदि के प्रारंभ करने का ज्ञान लोक से प्राप्त करे। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला राजा ही प्रजा को अधीन रखने में समर्थ होता है। देवताओं और समस्त ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें दान भी देना चाहिए। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय निधि है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संग्राम में पीठ न दिखाना, राजा का पालन करना, प्रजा का पालन करना और ब्राह्मणों को दान देना, ये राजा के लिए परम कल्याण की बातें हैं। दीनों अनाथों वृद्धों तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम का निर्वाह तथा उसके लिए आजीविका का प्रबंध करे। वर्णों और आश्रम धर्म की रक्षा तथा तपस्वियों का सत्कार करना वो कर्तव्य है। राजा कहीं भी विश्वास न करे किंतु तपस्वियों पर अवश्य विश्वास करे। उसे यथार्थ युक्तियों के द्वारा दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेना चाहिए। राजा बगुले की भांति अपने स्वार्थ का विचार करे और अवसर पाने पर सिंह के समान पराक्रम दिखावे। भेड़िए की तरह झपट कर शत्रु को विदीर्ण कर डाले। खरगोश की भांति छलांगे भरते हुए अदृश्य हो जाए और सुअर की भांति दृढ़तापूर्वक प्रहार करे। राजा मोर की भांति विचित्र आकार धारण करे, घोड़े के समान दृढ़ भक्ति रखने वाला हो और कोयल की तरह मीठे वचन बोले। कौवे की तरह सबसे चौकन्ना रहे, रात में ऐसे स्थान पर रहे जो दूसरे को मालूम न हो। जांच या परख किए बिना भोजन और संयम को ग्रहण न करे। अपरिचित स्त्री के साथ समागम न करे। बेजान पहचान की नाव पर न चढ़े। अपने राष्ट्र की प्रजा को चूसने वाला राजा राज्य और जीवन दोनों से हाथ धो बैठता है। महाभाग जैसे पाला हुआ बछड़ा बलवान होने पर काम करने के योग्य होता है, उसी प्रकार सुरक्षित राष्ट्र राजा के काम आता है। ये सारा कर्म देव और पुरुषार्थ के अधीन है। इनमें देव तो अचिंत्य हैं, किंतु पुरुषार्थ में कार्य करने की शक्ति है। राजा के राज्य पृथ्वी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है प्रजा का अनुराग। अतः राजा को चाहिए कि वह सदा प्रजा को संतुष्ट रखे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में राजधर्म का कथन नामक 225वां अध्याय पूरा हुआ।